गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये कारवां जिसको खुद से खुद की यात्रा का कारवां कह सकते हैं और खुद से मुखातिब होने का कारवां कह सकते हैं। पिछले वीडियो से आप देखते आ रहे हैं कि किस तरह से खुद को ऑब्जर्वेशन या खुद को खुद के करीब पहुंचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इवन कहें खुद से कैसे फ्रेंडशिप हो सके या खुद के साथ जो 24 घंटे हैं उससे मुखातिब होने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, लगातार हम बात करते आ रहे हैं। एक बड़ा प्यारा या कहें बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट शेयर कर रहा हूँ। जब हम खुद से दोस्ती करते हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, हम सब के बहुत सारे दोस्त होते हैं और सब हम एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग रहती है हम दोनों की या हम दोस्तों की, दो ना बोलें बल्कि हम दोस्त बोलें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और उनके साथ समय गुजारना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना, उनके साथ नाचना गाना, वो हम सब मिस करते रहते हैं और लगता है कि हमारा दोस्त मिले तो हम उसके साथ एक ऐसा समय गुजारे जो उस समय गुजारा था या जो भी बेहतरीन समय हम दोस्तों के साथ गुजारते हैं। बेसिकली जब ये सारी बात कर रहा हूँ, ये बात करते करते मुझे ख्याल आ रहा है क्या, इसी विषय को पॉइंट आउट ही करना है आज, कि खुद से फ्रेंडशिप यदि करें या खुद से दोस्ती करें जब, या जब हम कि वो समय आए, वो वाला समय आए कि उस तरह से जब हम सब दोस्त मिले थे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो जो आनंद मिला था उसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे और यदि नहीं सहमत हैं तो ज़रूर इनपुट में कमेंट के रूप में दीजिएगा। तो बेसिकली खुद को ही तलाशते रहते हैं अपन, दोस्तों में भी, आप भी अपने दोस्तों में, हम भी अपने दोस्तों में खुद को तलाशते रहते हैं, जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ एट ईज होते हैं, जहाँ मुझे फ्रीडम मिलती है या आपको जिस दोस्त के साथ फ्रीडम मिलती है या जिस दोस्त को मेरे साथ फ्रीडम मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, या जो दोस्त मुझे फ्रीडम देता है उसके साथ मुझे अच्छा लगता है, तो ये आपके साथ भी है। तो बेसिकली इसमें यदि देखें तो एक तरह से दोस्तों में भी अपन खुद को ही तो तलाश रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जो हमारा वाला आनंद है वो मिल जाए, और उस वो जो दोस्तों से मिलने का आनंद है और दोस्तों के साथ रहने का आनंद है, दोस्तों के साथ उठने बैठने का जो आनंद है, खेलने का आनंद जो है, खाने का आनंद है, वो सब कहीं ना कहीं खुद के आनंद की ही तो तलाश है यदि देखा जाए तो। मुझे ये लगता है क्यों ना जो हमारे साथ 24 घंटे हमारे आपके साथ है, क्यों ना उससे भी दोस्ती की जाए। तो उससे दोस्ती करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साथ समय गुजारा जाए, वो जो दोस्त है, तो जब उसके साथ समय गुजारेंगे तो उसके और करीब आएंगे।
यदि ये बाहर के लिए तरीका सही है तो ये भीतर के लिए भी तरीका सही है। यदि खुद से दोस्ती करना है तो खुद के साथ समय गुजारना होगा। मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि खुद से दोस्ती यदि हम कर ले गए, जो 24 घंटे हमारे साथ है, यदि हम उससे दोस्ती कर ले गए तो आप यकीन जानिए, मैं आज ही की बात आपको बताता हूँ, ये सेल्फ टॉक सीरीज़ जब से शुरू हुई है, खुद से मुखातिब होने का या आपसे मुखातिब होने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, आप यकीन न करेंगे, ऐसे कई मौके आए सुबह जब मुझे लगा, जिन मौक़ों पे मैं फट पड़ता था या मेरा क्रोध उभर के आता था, मतलब क्रोध तो मेरे अंदर था, माध्यम कोई और बनता था या कोई और घटना बनती थी और वो बाहर निकल आता था। तो ऐसे कई आज दो तीन मौके, कई ना कहें दो तीन मौके तो कम से कम कह सकते हैं कि आए और बड़े होशपूर्ण तरीके से मैंने उनको देखा और बड़े होशपूर्ण तरीके से मैंने आप उन मौक़ों को देखा, अपने आप को देखा। और क्यों देख पाया, पहले तो देख भी नहीं पाता था, इसलिए देख पाया कि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ रही है सेल्फ के साथ, तो जो सेल्फ के साथ समय गुजार रहा हूँ उस वजह से मैं देख पाया। और जैसे ही देखा तो आप यकीन जानिए कि वो जो दो तीन मौके सुबह सुबह जब हम पहले फट पड़ते थे, वो देखने की वजह से जैसे कपूर होता है उड़ जाता है, वैसे ही वो उड़ गया। आया मौका, आया फट पड़ने के पूरे साधन मौजूद थे, लेकिन क्योंकि देख रहे थे तो वो कपूर जैसे उड़ गया और आगे बढ़ते गए। तो खुद से दोस्ती करने में आप देखिए कि मैं आज ही की घटना बता रहा हूँ, और जो पहले भी होती थी, देखते थे, समझते थे, होने के बाद समझ पाते थे, पर क्योंकि सेल्फ के साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तो वो मौका आया, वो सारे साधन मौजूद थे, सारे क्या बोलेंगे, जो कारण हो सकते थे वो सारे मौजूद थे, और फट पड़ने के सारे साधन मौजूद होने के बावजूद बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें चलती गई। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल, कैसे आपको बयां करूं, बस इतना कह सकता हूं कि हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे, वो सारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वही बताते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। वो सारे दोस्त, उन सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं एक बात फिर कहूँगा, क्योंकि जो आनंद आता है दोस्तों के बीच में, तो वो आनंद हम तलाशते रहते हैं कि वो समय मिले, वो आनंद मिले, तो क्यों ना खुद से ही दोस्ती करें। और खुद जो 24 घंटे हम आप साथ में हैं या हमारे आपके साथ हैं, यदि उससे दोस्ती करेंगे तो और आनंद आएगा। उन दोस्तों को भी धन्यवाद दीजिएगा, और मैं तो अपने सारे दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, उनको मिस करता हूँ जब वो नहीं होते हैं पास में, मैं उनके नहीं होता या वो मेरे नहीं होते, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी आनंद की प्यास लगी रहती है कि वो फ्रीडम, वो इंजॉय, वो आनंद मिले, तो उसी सिलसिले को खुद से दोस्ती करके एक नई शुरुआत भी करना है, और एक नई शुरुआत है जब हम खुद से दोस्ती करें और खुद से आनंद की तलाश करें। दोस्त तो है ही हैं हमारे साथ, आपके साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो शेयरिंग है, यदि इससे थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि इसमें आपके इनपुट्स मेरी ग्रोथ के लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स करिए। मैं
ग्रो कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भी ग्रोथ हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने गौर से, इतने धैर्य से सुना मुझे। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो, सब कुछ शुभ हो आपके जीवन में।